जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर सुबह सुबह विपक्ष भड़का हुआ है। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक इस मामले पर मोदी सरकार पर विपक्षी नेता हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। राहुल के अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली में कभी कभी किसानों को अलग थलग कर दिया जाता है तो कभी कभी यहाँ के लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का सबका अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्ते शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस पर आक्रोश जाहिर किया। सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे? अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वो इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। लखनऊ से भी अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के खिलाफ आवाज उठाई है। अखिलेश ने कहा, जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। भाजपा सरकार दिल्ली पर्यावरण रक्षक एवं लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली की यात्रा बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। बता दें कि सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से पदयात्रा शुरू की थी। इससे पहले 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर वांगचुक ने अपने मिशन के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार को 5 साल पहले किए गए वादे को याद दिलाने के मिशन पर हैं। इसी के लिए वो दिल्ली आ रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल है। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की सरकार से प्रमुख मांग लद्दाख को संविधान की 6 अनुसूची में शामिल करना है, जो स्थानीय लोगों को उनकी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।